हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों आज का ये लेक्चर बहुत ख़ास है उन स्टूडेंट्स के लिए, मेरे उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अकाउंटेंसी का। आप बैच ज्वाइन करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर मेरी राय मानिए कि ये जो अभी जो ये वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं इसको एंड तक ज़रूर देखें, है ना। इसको एंड तक देखने का तो कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। इसको देखेंगे तो ज़रूर आपका कुछ नॉलेज बढ़ेगा ही, ठीक है, कुछ समझ ही आएगा कि ये न्यू बैच क्या है और कैसे है, क्या चीज़ है सब। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंस। अगर आप ये बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके, और जैसा मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, जैसी मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, वैसा अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स अकाउंटेंसी के अंदर आ सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, बस आपको मेरे साथ मिलकर जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा और अपनी स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों ये न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है ये क्लास 12th के लिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। अगर बोर्ड की बात करें कौन सा CBSE बोर्ड है या कौन सा है, तो ये RBSE बोर्ड है बेटा, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। CBSE बोर्ड की भी क्लास स्टार्ट हुई है लेकिन उसका अलग है, तो आज हम वहाँ पर बात नहीं करेंगे। आज केवल हम RBSE बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड की बात कर रहे हैं कि हाँ राजस्थान बोर्ड जो है उसके अंदर क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। शुरू से पढ़ाई होगी, शुरू से स्टार्टिंग से कहाँ होगी वो भी बता देता हूँ। ये न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है हमारी एप्लीकेशन पर। ये कहाँ हो रहा है, ये हमारी एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रहा है। हमारी एप्लीकेशन का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। सर ये तो अपने चैनल का नाम है, हाँ जो अपने चैनल का नाम है वही इस एप्लीकेशन का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। जाके आप प्ले स्टोर के अंदर सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप वहाँ पर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसकी फर्स्ट क्लास कब आएगी, तो कल से, यानी कि मैं डेट आपको बता देता हूँ इसकी फर्स्ट क्लास की, वो है 11th अक्टूबर 2020 से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अब कैसे ज्वाइन करना है वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि ऐसा क्या करवाएंगे कि आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा क्या होगा इस ऐप के अंदर, ऐसी कैसी स्टडी होगी कि 90 से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं, वो भी अकाउंटेंसी के अंदर। चलिए मैं आपको एक एक करके वो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इस ऐप के अंदर जब आप अकाउंटेंसी कोर्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे जिसकी वजह से आपके इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आपकी एक तो होगी लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस 1 आवर की होगी, है ना। एक ये कहाँ होगी, ये होगी आपकी मंडे टू सैटरडे, मतलब संडे को नहीं होगी, बाकी हर एक दिन जैसे स्कूल लगता है अपना वैसे के वैसे 1 आवर की आपकी लाइव क्लास लगेगी। ओके सेकंड नंबर, आपका लाइव क्लास के अंदर जो अकाउंट्स है, अकाउंटेंसी की जो आपकी बुक है लेखा शास्त्र की, उस बुक, अच्छा एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए हैं, दोनों स्टूडेंट्स को कवर मैं यहाँ पर करूँगा। तो चाहे आपके हिंदी मीडियम है चाहे आपके इंग्लिश मीडियम है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंटेंसी की बुक की बात करें तो इस अकाउंटेंसी की बुक में खूब सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो यानी कि वस्तुनिष्ठ हो, चाहे वह वेरी शॉर्ट यानी कि लघुत्रात्मक हो, चाहे वह शॉर्ट टाइप हो, शॉर्ट मतलब अति लघुत्रात्मक हो, चाहे वह न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो यानी कि आंकिक प्रश्न हो, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व करवाए जाएंगे।
सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवाए जाएंगे। कोई भी टीचर एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस उदाहरण सारे सॉल्व नहीं करवाता, यहाँ आपको करवाए जाएंगे। ओके नेक्स्ट बेटा, 90 प्लस का बोला है ना मैंने, तो प्रिपरेशन भी वैसे ही करनी पड़ेगी ना। तो एग्जाम्पल सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके अलावा अब जो बता रहा हूँ वो देखो बेटा, एग्जाम्पल के साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होमवर्क दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको नेक्स्ट ये देखो एग्जाम क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे। एग्जाम के अंदर उस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन पिछले बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुके हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे आपसे, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, वो क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, उसका कैसे आंसर देना है वो भी आपको बताया जाएगा। ओके ये मटेरियल की बात हो गई। अब आगे अगर थर्ड नंबर बात करें हम कि और क्या होगा, तो और भी बहुत कुछ है, एक एक करके बताता हूँ, आप एंड तक जरूर देखिएगा। आपने ऐसा शायद ही सुना हो कि ये फैसिलिटी भी ऑनलाइन होती है, वो सारी आपको मिलेगी। इसके अलावा मैंने लिख भी रखी है, इसके अलावा क्या है आपको, हाँ बेटर कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। किसके बीच कम्युनिकेशन सिस्टम होगा? टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच, लाइव क्लास के अंदर टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा। भाई क्यों नहीं होगा, एप्लीकेशन पे बहुत पैसा खर्च करके एप्लीकेशन बनाई है, बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं, तो टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा यूज़ किया जाएगा कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में लाइव क्लास के अंदर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा। लाइव क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी वॉइस के थ्रू भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह, जो भी उनको प्रॉब्लम आएगी वो। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, ये तो इज बेटर कम्युनिकेशन के अलावा फोर्थ पॉइंट है आपका, लाइव टेस्ट होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा। सर रिटन टेस्ट? हाँ रिटन टेस्ट, ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। आपका लाइव टेस्ट रिटन टेस्ट होगा, इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपकी जो नोटबुक है उसको मैं चेक करूंगा। हाँ जी बिल्कुल, क्लास में कैसे टेस्ट होने के बाद टीचर आपकी नोटबुक को चेक करता है? नहीं करता था क्या? नंबर देता था ना, तो आपको यहाँ पर आपकी नोटबुक मेरे द्वारा चेक की जाएगी, मैं आपकी नोटबुक को चेक करूँगा, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, और वो नोटबुक्स में, उस नोटबुक के अंदर जो टेस्ट कॉपी होगी आपकी या जो एग्ज़ाम की कॉपी होगी आपकी, उसके अंदर आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की होगी उन सबको मैं मार्क करूँगा, और फिर वो नोटबुक मैं आपको वापस दूंगा। सर ये कैसे होगा, क्या कुरियर करनी पड़ेगी? नहीं बेटा, हाथों हाथ एक सेकंड में एक नोटबुक मेरे पास आ जाएगी, मैं चेक करके अगले दिन आपको वापस दे दूंगा। सर कैसे पॉसिबल है? एवरीथिंग इज पॉसिबल भैया, ये मॉडर्न टाइम है, बहुत टेक्नोलॉजी है, वो सब है यहाँ पर अवेलेबल है, आप बिल्कुल मेरे साथ ऐसा कर पाएंगे। इसके अलावा एक इस ऐप का बहुत अच्छा फीचर है, शानदार, वो है ग्रुप स्टडी। जो भी इस कोर्स के अंदर एनरोल होगा, जो भी इस कोर्स को अंदर जो है रजिस्टर्ड होगा, वो सारे स्टूडेंट का एक ग्रुप बनेगा, और वे सारे स्टूडेंट्स उस ग्रुप के अंदर स्टडी करेंगे, यानी कि एक ग्रुप बनेगा जिसमें से आपस में स्टूडेंट्स डिस्कस कर सकते हैं, अपनी स्टडी से रिलेटेड एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे क्लास के अंदर नहीं करते हैं क्या? क्लास में करते हैं ना डिस्कशन, एक कि हाँ ये मुझे बताना, आपस में स्टूडेंट्स ही, कई बार टीचर का समझ नहीं आता लेकिन स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं तो उनका बहुत बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रुप स्टडी होगी, है ना, सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाएगा, और वो उस ग्रुप के अंदर पूरी स्टडी के ऊपर आपस में डिस्कशन करेंगे, स्टडी को लेकर, एग्जाम को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, सब कुछ। लेकिन उस ग्रुप को मॉनिटर जो करेगा वो कौन करेगा? वो मैं करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर ग्रुप के अंदर कोई बदमाशी करेगा तो क्या करेंगे? उसको ग्रुप से निकाल देंगे। हाँ अगर पढ़ाई से रिलेटेड बातें करेगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलेगा, अच्छा व्यवहार रखेगा सब स्टूडेंट्स के साथ तो वो रहेगा, अगर कुछ भी गलत करेगा तो मैं उसको वहाँ से रिमूव कर दूंगा। ओके कुछ दिन के लिए, फिर वापस ऐड कर देंगे, ज़्यादा करेगा तो हमेशा के लिए रिमूव कर देंगे। तो ग्रुप स्टडी होगी, उसको मॉनिटर मैं करूँगा, कंट्रोल मैं करूँगा उसको। ओके नेक्स्ट इसके अंदर बात करें आपके, तो लाइव जो आपकी क्लास होगी, ये मैं यहाँ लिख रखे हैं कि इतने सारे फैसिलिटीज़ हैं तो मैं बताने के लिए लिखा है, जो आपकी लाइव क्लास होगी, मान लेते हैं आपने लाइव क्लास मिस कर दी, जैसे आप स्कूल नहीं गए तो आप क्या करते हैं, वो आपकी क्लास गई उस दिन जो भी टीचर ने पढ़ाया, बस वो किसी की नोटबुक लेके आप उसको कॉपी कर सकते हो केवल,
पर आपकी वो क्लास तो गई, यहाँ ऐसा नहीं है। बाई चांस अगर आपने कभी लाइव क्लास अटेंड नहीं करी, कहीं शादी में गए या कुछ भी काम हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, किसी भी बच्चे से आप पूछ तो सकती हो क्योंकि ग्रुप में होंगे आप। इसके अलावा आपको उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, वो उस एप्लीकेशन पर हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी। जितनी बार चाहे उस क्लास को देखो, जितनी बार चाहे उस क्लास का रिविजन करो, कोई मना नहीं होगा। एक बार समझ में आया, दो बार देख लो आप, ओके। जो भी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होगी वो अवेलेबल होगी, ओके, ये बहुत अच्छा है। एक है, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट। सर डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे? अगर किसी भी स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपको दूंगा मेरे मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर जो है आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हाथों हाथ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी स्टूडेंट को, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, अभी किसी स्टूडेंट को मान लेते हैं कि सर हम मुझे ये ज्वाइन करना है, और पर मेरे को आप पूरा बताइए कि कैसे ज्वाइन करते हैं, तो वैसे तो इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे से बात करके डिस्कस करना चाहते हैं तो ये रहे मेरे नंबर 9461234898, ये मेरे मोबाइल नंबर है, ओके, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरे नंबर होंगे जो केवल उन्हीं को मिलेंगे जो ये कोर्स बाय करेंगे, जो इस कोर्स के अंदर एनरोल होंगे। और भी पॉइंट्स हैं, आप समझते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8 नंबर, और ये पॉइंट है आपका, हाँ, ऑफलाइन की तुलना में, ये थोड़ा हिंदी में लिख रहा हूँ माफ कीजिएगा, ऑफलाइन की तुलना में कम फीस, बिल्कुल ऑफलाइन की तुलना में कम फीस। ऑफलाइन अगर फीस, मतलब जब अपन कोचिंग जाते थे फिजिकली, तो वहां पर आपकी फी क्या होती थी पता है आपको? कम से कम मान रहा हूं मैं, कम से कम मिनिमम फीस मान रहा हूं, जितना ज्यादा से ज्यादा कम टीचर कितना लेता था, 5000 रुपीज अकाउंटेंसी, इससे कम तो कोई नहीं करवाता है। अगर इससे कोई कम करवा रहा है तो फिर वो लेवल अलग होगा बेटा, है ना। बाकी अच्छे टीचर जो होते हैं वो 8000 रुपए तक ले लेते हैं, ठीक है, तो कम से कम 5000 रुपए हैं, ओके। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं, जैसा सब कुछ मैंने जो फैसिलिटी बताई है इसके साथ, तो वहां पर 8000 रुपए हैं। लेकिन नहीं बेटा, हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतना ज्यादा चार्ज नहीं करना है, हमारी फीस है 4888 रुपीज, वन टाइम फी है बेटा, वन टाइम फी, और एक बार आपको फीस पे करनी है, एक बार ओनली। उसके बाद जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, तब तक क्लास चलेगी। जब तक एग्जाम नहीं होंगे तब तक क्लास चलेगी। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो, कोई कोरोना का डर, कोई बीमारी का डर, एक दिन नहीं गए, क्लास छूट गई, वो क्लास आप वापस नहीं देख सकते, वहाँ पर पैसे भी ज़्यादा लगने, यहाँ पर किसी चीज़ का डर नहीं है, घर बैठो, शांति से बैठो, लाइव क्लास अटेंड करो। होमवर्क की, अब आपको क्या मिलेगा? होमवर्क मिलेगा, और स्कूल में जैसा होमवर्क मिलता था वैसे ही उसी तरह होमवर्क मिलेगा, और आपको उसके लिए एक नोटबुक बनानी है, और उस नोटबुक को मैं करूँगा चेक, और चेक करके आपको वापस लौटाऊंगा। सर ये भी कैसा होगा, कुरियर करना पड़ेगा? नहीं बेटा, कुरियर वेरियर कुछ नहीं करना, एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओके। तो ये चेक होगी आपकी नोटबुक। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, है ना, अगर मैं वो गिनाने बैठ जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ऐप डाउनलोड करेंगे और एक बार कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। काफ़ी मैंने यहाँ लिखा भी है, जो मैंने लिखा वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बेस्ट क्वालिटी सर्विस मिलेगी, जैसे अपनी यूट्यूब पे जो क्लासें लगती हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगर मैं, अगर कई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं किसको बोलूँ जाके? फॉर एग्जाम्पल आज यूट्यूब पे क्लास अटक रही है, मैं किसको बोलूँ जाके? यूट्यूब को कोई नहीं है सुनने वाला। यहाँ पर मेरा जो ऐप है वो मैंने जिस कंपनी से बनाया है, मैं डायरेक्ट उससे कॉन्टेक्ट करता हूँ डायरेक्ट, और एक मिनट के अंदर सॉल्यूशन निकल जाता है अगर कोई प्रॉब्लम आए तो, ओके।
और भी कई सारे पॉइंट्स है बेटा, ठीक है, मतलब बेहतर क्वालिटी सर्विस मिलेगी आपको, बेटर स्टडी मिलेगी। अगर आप ट्वेल्थ के बाद सीए करना चाहते हैं, सीएमए करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, है ना, या फिर आप बीबीए करना चाहते हैं, या फिर आप लॉ की डिग्री करना चाहते हैं, है ना, जो भी आप कॉमर्स रिलेटेड कोर्स अगर अच्छा प्रोफेशनल कोर्स अच्छी जगह से करना चाहते हैं, तो आपका एक चीज़ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, आपका बेसिक या आपका बेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी होगा जब आप अकाउंटेंसी को बहुत अच्छे से करेंगे, तो आपका बेस अच्छा होगा, और बेस अच्छा होगा तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। तो आई थिंक बहुत सारे बेनिफिट है, कम प्राइस के अंदर, कहीं भटकना नहीं, ग्रुप स्टडी स्कूल जैसा फील होगा, टेस्ट भी होगा, कॉपी चेक भी होगी, नंबर भी सुनाए जाएंगे, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन भी कर सकते हो, टीचर के साथ डिस्कशन कर सकते हो, क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, और कॉपी चेक होगी, कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी, सब कुछ, बहुत कुछ। तो और फी भी कम है, ये सबसे बड़ी बात है ना। फी क्यों कम रखी है? फी इसलिए कम रखी है क्योंकि ये एप्लीकेशन पर जो है फर्स्ट कोर्स जो है मैं यहाँ पर मैंने बनाया है, तो मैंने फी कम रखी है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इस बैच के अंदर मैक्सिमम 50 स्टूडेंट मैं लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। एक क्लास के अंदर क्या, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, 50, तो वही लेंगे क्योंकि इनकी कॉपी चेक मुझे ही करनी है ना, तो इतने स्टूडेंट लेंगे। फ्यूचर में अगर और स्टूडेंट की डिमांड आएगी तो एक नया बैच स्टार्ट करेंगे और उसकी फीस भी मैं बढ़ा दूंगा। और भी आपको बताऊं तो देखो, जैसे ये सॉफ्टवेयर नया मैंने परचेज किया है जो भी है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे यहाँ आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो उसका, जैसा आपको वाइट बोर्ड चाहिए वैसा लाइनों वाला, ये देखो ग्राफ आ गया आपके सामने, ये देखो, या फिर वाइट भी कर सकते हो, ग्राफ ले सकते हो, या लाइंस के अंदर भी आप जो है यहाँ पर मैं आपको बोर्ड ला सकता हूँ आपके सामने। ये ब्लैक हो गया जिस पर अभी मैं स्टडी करा रहा था, आपको बता रहा था, समझा रहा था, ये देखिए ये और एक ग्राफ हो गया ब्लैक कलर के अंदर, और ये लाइंस हो गई आपकी ब्लैक के अंदर। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर आपको। पहले आप देखते होंगे कि मेरे से सीधी लाइन नहीं खींच पाता था मैं, आपको पता होगा आप अगर मेरे से पढ़ाई कर रखे हो तो, या वो भी प्रॉब्लम सोल्व है। ये देखिए कितनी सीधी खींचनी है, ये देखिए ये हो गया यहाँ पर, ये देखिए अकाउंट बनाना, देखो कितना एकदम सही अकाउंट बनेगा। मतलब अब पैसा खर्च करेंगे, मैंने भी किया है और आप भी करेंगे, तो आपको बेस्ट क्वालिटी वाली मिलेगी। अब देखो एक ये था और एक अपन पहले टेढ़ा मेढ़ा बनाते थे, ऐसे ऐसे बनाते थे, बनता ही नहीं था अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलेगी, ये फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट बना दिया आपने, है ना, तो यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, है ना, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर आपको मिलेगी। यहाँ पर इनको इरेज करना भी बहुत आसान है, ये देखो ये मिट गया, पहले की तरह नहीं है। पहले जैसे मैं अब YouTube पे जो लेक्चर्स बनाता था उसमें PowerPoint का यूज़ करता था, यहाँ PowerPoint का यूज़ नहीं करता हूँ मैं। ये एक बेहतर चीज़ें हैं जिनका यूज़ करेंगे अपन, काफ़ी सारे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प लेंगे, ताकि आपकी स्टडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो अगर आप वास्तव में परसेंटेज बनाना चाहते हैं और आगे आप फ्यूचर में कोई CA वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए। आपको ये जो मैंने अभी 1 से लगाकर 11 तक जो फैसिलिटीज़ बताई हैं, ये तो है ही, और भी मोर काफ़ी सारी है जो आप जब कोर्स ज्वाइन करोगे तभी आपको पता चलेगा उन चीज़ों का। तो ये नहीं देखना चाहिए आपको, क्यों, आपको ये देखना चाहिए अगर आप ऑफलाइन होते तो ये पे करते 5000, तो उससे तो कम ही लग रहा है, और फैसिलिटी काफ़ी सारी अच्छी मिल रही है ऑनलाइन आपको, और कोई बीमारी का डर नहीं, कहीं जाने की प्रॉब्लम नहीं, पेट्रोल के भी पैसे बचेंगे ही ना, फालतू बाहर जाओगे दिमाग खराब होगा, घर बैठे अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बढ़िया है। एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं, जब कोरोना वायरस चल रहा था तब भी एग्ज़ाम जो बचे हुए थे गवर्नमेंट ने कराए थे, तो एग्ज़ाम तो होने ही हैं, बोर्ड एग्ज़ाम तो बिल्कुल होंगे ही होंगे। तो आप ये परचेज कीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, और ये कैसे बाय करना है वो भी मैं आपको जो है बता देता हूँ कि एप्लीकेशन के अंदर कैसे करना होता है ये सब कुछ, उसका भी मैं आपको कंटिन्यू में मेरे मोबाइल से करके बताता हूँ कि स्टूडेंट अपनी मोबाइल से कैसे ये सब कुछ करें, कैसे पेमेंट करें, कैसे क्या करें, वो सब कुछ भी बताता हूँ। एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूँ तो आपको एक बैच कोड की ज़रूरत पड़ेगी, बैच कोड उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बैच कोड है AC 12
एल आई वी ई, बिना स्पेस के हैं बेटा, क्या है ए सी स्मॉल के अंदर 1 2 एल आई वी ई अकाउंट 12th लाइफ, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म। तो ये आपका बैच कोड है, ये आपको चाहिएगा तो आप इसको नोट करके रख दीजिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए जाके प्ले स्टोर के अंदर से। बाकी आपको मैं मोबाइल से बताता हूँ कि सब कुछ कैसे करना है आपको। ओके आज स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है ऊपर कॉमर्स वाले गुरुजी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर कॉमर्स वाले गुरुजी लिखेंगे, एक ऐप आएगी, ये वाली देखो, ये वाली ऐप आएगी, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल कर देना है। ओके, एक बार जब आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो फिर आपको यहाँ ओपन बटन दिखेगा, आप इसको क्लिक करके ओपन कर दीजिए। फिर यहाँ पर ये आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर, तो ये जैसे आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, है ना, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो वो आप उसी मोबाइल नंबर पे जो मैंने यहाँ डाला है इस पे आपको, आप जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे उसके ऊपर आपको ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जो है आपको यहाँ पर लिखकर फिर करना पड़ेगा वेरीफाई। ओके, जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आपको क्या है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये स्क्रीन, ठीक है। इसमें आप नीचे देखिए, आपको होम, बैचेज, स्टोर, चैट, प्रोफाइल, ये सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, बैचेज वाले पे क्लिक करना है। यहाँ प्लस वाला जो बटन है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ बैच कोड ये मांगेगा, तो आपको यहाँ पर बैच कोड डालना है, कौन सा, जो मैंने आपको दिया था। मैंने आपको क्या बैच कोड दिया था, A12 फिर क्या था, LIVE, ये बैच कोड दिया था मैंने आपको, हाँ। तो आपको क्या करना है, ये वाला बैच कोड डालना है और यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे आप बैच के अंदर ज्वाइन हो जाओगे, ये होम, ठीक है। यहाँ पर फिर आप होम पे आओगे, ठीक है। वहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा तो आपको यहाँ नीचे, जैसे होम पेज पे आप नीचे जैसे ऐसे करोगे ना, तो यहाँ पर आपको अनपेड बताएगा, ये देखो, ये रहा AC12LIV अनपेड, अमाउंट है 3399, कितना है 3399.58, ये आपकी फ़ी है जो आपको, कौन से बैच की है, AC12 लाइफ, जो आपका बैच कोड था ना वो यहाँ लिखा हुआ है, देखो। तो आपको ये वाला ही इंस्टॉलमेंट आपको लिखा हुआ है और 3399.58 लिखा हुआ है और आपका बैच कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा आएगा आपको अनपेड, तो आपको पे करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका अमाउंट जो भी अनपेड होगा वो आ जाएगा। आपको बस अपने बैच कोड को ध्यान रखना, AC12 लाइफ, ये वाला, ठीक है, ये था, हाँ, 3399। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है पे फी पर। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखो मेरा नाम है तो मेरा नाम आ गया, फी अमाउंट आ गया। एक बार नीचे आपको दिखेगा पे और इस पे 3399.58 रेड कलर का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे काफ़ी सारे, ठीक है। आप यहाँ पर पेटीएम UPI कर सकते हैं और पे यूजिंग कार्ड, कोई भी कार्ड, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, सारे कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करें अगर वॉलेट की, तो वॉलेट में आप फ़ोन पे कर सकते हो, ठीक है। और फ़ोन पे नहीं करना चाहते आप तो फिर आप क्या कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नीचे UPI के अंदर आपको काफ़ी सारे पेटीएम का ऑप्शन मिलेगा, SBI बैंक का मिलेगा, अमेजन शॉपिंग कार्ड का मिलेगा, या कोई भी आपकी UPI ID हो उससे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद EMI में भी कर सकते हो, पे लेटर, वॉलेट, सब बहुत सारे फंक्शंस हैं, हर तरीके का पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिए, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आप हो जाएंगे एक्टिव, और जैसे आप एक्टिव होंगे फिर आप इन सब ऑप्शंस का फ़ायदा उठा पाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि पेमेंट कैसे करना है, बाकी जब लाइव क्लासें आएगी आप जुड़ जाओगे तो आपको सब पता चल ही जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।